कुंडा गांव में मुख्य आवासीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उपचाची प्रखंड अंतर्गत रामाकुंडा ग्राम पंचायत में मुखिया परशुराम महतो द्वारा नवरात्रा के पावन नवमी पूजा के अवसर पर अपने नवनिर्मित गृह से मुखिया कार्यालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं नारियल फोड़कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कई गांव जैसे रामाकुंडा, गेंद नावाड़ी, तांतरी, खरियो सहित कई पंचायत के ग्रामीणों के साथ कई पत्रकार व गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुखिया परशुराम महतो ने कहा कि वो विगत दो दशक से रामाकुंडा के ग्रामीण जनता ही नहीं बल्कि पूरे तोपचाची अंचल के किसान और मजदूर की समस्याओं पर मुखर होकर उनकी आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। लोगों की सेवा में संपूर्ण समर्पण ही हमारे जीवन का मकसद है। अब सारे कार्यों को कार्यालय में ग्रामीणों के साथ बैठकर इस काम को अंजाम देने में और मजबूती मिलेगी। इस दौरान भोज का भी आयोजन किया गया है। तो नहीं होने का रीजन बहुत सारा चीज है। बात को हम तमाम नागरिकों को ये बात को समझना पड़ेगा और नागरिकों को भी समझाना पड़ेगा। जिस दिन जो है समझ गया अपना जो है अधिकार को, उस दिन हम बता दे रहे हैं, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उसको सवाल का जवाब देने नहीं बनेगा। आज आप देख लीजिए जी, आपका जो है यहाँ जो रेलवे पुल है जिससे हम लोग 12 महीना गुजरते हैं, क्या जो है हमारा जनप्रतिनिधि सांसद विधायक नहीं गुजरते हैं? जिस दिन हम आपको बता दे रहे हैं डीआरएम का हम घेराव किए थे, डीआरएम एक लाइन में बोला कि जो है आप लोग तो जब जब होता है तब तब रेलवे के ऊपर पड़ते हैं आप, ये मामला है राज्य का, आप राज्य के सरकार को पकड़िए और पकड़ने के बाद आप एक लेटर दिलाइए। मेरा काम है कि ग्रीन सिग्नल देना मेरा काम है और कार भी करा देना मेरा काम है। तो हम वहाँ तुरंत बोले डीआरएम को कि आपको हम जो है खाली लेटर दे देंगे तो नहीं होगा। बोला नहीं, उसमें जो है 75% फंड भी देना पड़ेगा, 25% फंड हम देंगे रहेंगे और कर के देंगे आप। लेकिन जो है यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि, हमने जो है सांसद को भी कहा, विधायक को भी कहा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो देखिए हम लोग बहुत छोटा सा जनप्रतिनिधि, हम लोग को जो है देखिए बात ऐसा है कि यहाँ तक कार्यालय ओपनिंग का तो कार्यालय देखिए, जब एक पंचायत का हेड यदि कहीं रहता है तो तय करना, एक सार्वजनिक जो है कार्यालय होता है जिसका नाम सचिवालय कहा जाता है, और उसके अलावे जो है सचिवालय के लिए समय समय पर खुलता है। और आवासीय कार्यालय निर्माण इसलिए कराया गया है कि जो भी अपने पंचायत क्षेत्र के जो भी जो है ग्रामीण है किन्हीं में कोई समस्या है तो देर सवेर रात गिरात आकर के जो है अपना आवासीय कार्यालय में शिकायत रख सकता है, समस्या सुना सकता है। इसी को लेकर के हमने एक प्रयास किया कि मैं जो है अपना आवासीय कार्यालय को, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले भी एक छोटा सा आवासीय कार्यालय था, लेकिन वो जो है काफ़ी जो है छोटा होने के कारण जो है हमको लगा कि जनता को और कोई सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय सिर्फ मेरा नहीं है, हम नागरिक का है और हम आशा उम्मीद करते हैं कि ऐसा जो है सभी जो है मुखिया का अपना एक आवासीय कार्यालय होना चाहिए। हाँ मुखिया जी, आवासीय कार्यालय खोलने का कोई खास कारण? देखिए आवासीय कार्यालय खोलने का मेरा एक विजन है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं सरकारी तंत्र में जो है एक अस्थाई कार्यालय होता है पंचायत में, लेकिन वो अस्थाई कार्यालय होता क्या है कि जो है 10 बजे खुलती है, 4 बजे 5 बजे बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो जनता की जो समस्या होती है उसको लेकर के आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ। इसको लेकर के ये जो है हमको बहुत पहले से सोचता कि भाई ये एक आवासीय कार्यालय हो जिसके तहत जो आम जो जनता है उनका जो समस्या है उनको जो है एक ससमय पर जो है उसका समय में आवेदन आए और समय पर उसका जो समस्या उसका
निराकरण हो, इसके लिए जो है आज जो है हमको ये आज ये आवासीय कार्यालय खोलने में या ओपनिंग करने में जो हमारा नहीं बल्कि सर रामाकुंडा जो है आम आवाम के लिए जो है ये आज जो है शुभ घड़ी का दिन है। जैसे अभी आप जान रहे हैं कि जो है नवरात्र चल रहा है, उस नवरात्र के शुभ अवसर पर हमने जो है जनताओं को एक गिफ्ट देने का एक मेरा प्रयास रहा है, इसलिए कि भाई जो है आने वाला जो समय है या आपका जो जैसा कि समस्या लोगों को दिन ब दिन जो बढ़ रहा है उसका जो है वो सीधा आवासीय कार्यालय में ऑफिस कार्यालय बंद रहने के बाद भी ये कार्यालय खुला रहेगा, इसी के लेकर के जो है 2400 घंटा जो है सेवा देने का जो है उद्देश्य आज का जो मुखिया कार्यालय का आवासीय कार्यालय उसका जो है ओपनिंग किया गया है।